ठीक है, 14 अप्रैल 1891 गरीब दलित महार जाति में एक नक्षत्र का जन्म होता है। नक्षत्र का जिसको इस हिंदुस्तान के पांडित्य और ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने चमकने का अवसर नहीं दिया। वो व्यक्ति जन्म के साथ जैसे जैसे बढ़ता चला गया वैसे वैसे अपने समाज का ताना बाना देखता चला गया। समाज के अंदर व्याप्त ब्राह्मणवाद चरम सीमा पर है। छुआछूत भेदभाव चरम सीमा पर है। आश्चर्य होता है कि बुनियादी सुविधाओं से भी मुक्त कर दिया गया था। कुएं पर सार्वजनिक कुएं पर पानी नहीं पीने दिया जाता था। ये हमारे किसी वेद में नहीं लिखा गया है। हमारे चारों वेद में कहीं नहीं लिखा गया था कि व्यक्ति को उसकी जाति के आधार पर बुनियादी सुविधाओं से मुक्त कर दिया गया। ये हमारे समाज का ब्राह्मणवादी व्यवस्था और आज से नहीं थी, ये हर युग में था, त्रेता से द्वापर से लेकर कलयुग तक। और समय समय पर इस व्यवस्था के विरुद्ध अन्य धर्मों ने जन्म लेने का प्रयास किया। 1891 में जन्मा वो नक्षत्र संघर्ष के उस दौर को देखते हुए जब आगे बढ़ता है, जन्म की इच्छा रखता है, जब उसको विदेश जाने की जरूरत पड़ती है, तो सियाजी राव तृतीय गायकवाड़ ने उन्हें विदेश जाने की व्यवस्था करते हैं, जो बड़ौदा के महाराज हुआ करते थे। वो व्यक्ति जो भीमराव अंबेडकर के नाम से जिसको आप जानते हैं, वो विदेश जाता है, कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ता है और पहली बार हिंदुस्तान का कोई व्यक्ति जो एक दलित परिवार से महार जाति से होता है, जिसने पूरी जिंदगी केवल दंश झेला केवल ब्राह्मणवाद देखा, वो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से एमएससी की डिग्री प्राप्त करता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा, आप लोग नहीं जानते हैं भीमराव अंबेडकर को, आप नेहरू को गांधी को जानते होंगे। 32 डिग्रियां 64 विषयों का ज्ञाता और 9 भाषाओं का अद्भुत ज्ञान रखने वाला व्यक्ति जो भारत का पहला कानून मंत्री बनता है, जिसके कंधे पर भारत के संविधान की बोझ होती है। 1946 में जब संविधान सभा बनती है, जिसके कार्यकारी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिंह, पूर्णकालिक अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनते हैं, 22 समितियों का उन्होंने निर्माण किया था संविधान सभा में, और 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति, उस 22 समिति में से एक समिति थी प्रारूप समिति, उसका अध्यक्ष बना दिया जाता है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। उन्होंने आजीवन 21 सालों तक पूरे विश्व के विभिन्न धर्मों का अध्ययन किया, क्योंकि हमारा राष्ट्र धर्म और धर्म के जंजाल में पड़ा हुआ था। हम राम को मानते थे, हम राम की पूजा आज भी करते हैं, हम मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं, लेकिन हम ही उनका चरित्र हनन करते हैं कि उन्होंने सीता का वनवास दे दिया। कहीं नहीं लिखा है वाल्मीकि रामायण में, उत्तर रामायण की चर्चा कहीं नहीं है वाल्मीकि रामायण में, ये रामचरितमानस में मिलता है। जिस व्यक्ति का चरित्र मर्यादित हो, पुरुषों में उत्तम हो, वैसा कृत्य कर ही नहीं सकता। हम राम की पूजा करते हैं, लेकिन मंदिर में हम दलितों को पिछड़ों को नहीं जाने देंगे। ये व्यवस्था भगवान राम ने नहीं बनाई थी, भगवान राम ने तो व्यवस्था बनाई थी कि सबरी के यहां बैठ आए थे, मल्हारराज के साथ बैठ के गए थे। दलितों में पिछड़ों में अगड़ों की कोई व्यवस्था ही नहीं बनाई थी भगवान राम ने, ये हमने बनाया था। और ये सारे संघर्ष देखते 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 धर्म के आधार पर बढ़ते बढ़ते भीमराव ने बस यही प्रयास किया था कि यह जाति बंधन टूटे, समाज का सर्वांगीण विकास हो, समाज के हर जाति हर वर्ग के अधिकार मिले। और इसी के अंतर्गत उन्होंने संविधान में आरक्षण की दलितों की व्यवस्था की, जिससे कि उनको शिक्षा में समाज में समान अवसर मिले, पानी पीने के लिए अलग कुआं खोदने की जरूरत नहीं पड़े। तो आज भी ये व्यवस्थाएं अगर 21वीं सदी में कायम है, तो इसे
वामपंथ और ब्राह्मणवाद जो हावी रहा उनको इस लाइन नहीं समझा कि उसको उनको देश रत्न दिया जाए, भारत रत्न। जब पहली बार भारत में बीजेपी की सरकार आती है तो 1990 में 1990 में कांग्रेसियों ने नहीं दिया था उनको, 1990 में उनको क्या मिलता है, भारत रत्न की उपाधि मिलती। वो गांधी से प्रेरित नहीं थे। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 1932 में गांधी और भीमराव अम्बेडकर के बीच में 1932 याद रखिएगा, जीएस का क्वेश्चन पूछता है, पूना पैक्ट किया था उन्होंने। पुणे पैक्ट में उन्होंने दलितों के अधिकार का साइन करवाया गांधी से, गांधी पर उनको भरोसा नहीं था। आज